हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त मोनिका आज आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। तो आपको मैं नाप समझा देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कपड़े कट कर लिए हैं। तो ये देखिए, ये हमारे चार पीस है जो 5.5 इंच के हैं। 5.5 इंच की लंबाई और 5.5 इंच की चौड़ाई, ये चार पीस है। ये फ्रेंड्स चार पीस हैं जो 6 इंच की हमारी लंबाई है और 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। ये हमारे 8 पीस हैं और ये 2 इंच की इनकी चौड़ाई है और 6 इंच की इसकी लंबाई है। ये हमारे 5 पीस हैं जो 2.5 इंच के हैं। ये हमारे 4 पीस हैं जो 1.25 इंच की इनकी लंबाई है और 2.5 इंच की इसकी चौड़ाई है। तो आइए मैं पहले इनको सेट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बिछा लिए हैं। ये 3-3 पीस हमें सिलने हैं, 3 ये 3 ये और 3 ये। ये 3-3 पीस करके हमें सिलने हैं। पहले क्या करेंगे, हम ऐसे पलट कर यहाँ सिलाई लगा देंगे और इसको यहाँ से फिर ओपन कर लेंगे। यहाँ से सिलाई लगा देंगे और फिर यहाँ से ओपन कर देंगे, तो ये हमारे 1 पीस तैयार हो जाएगा। तो हम सिल के दिखा देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिल गया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है और हम इनको भी सिल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे चारों पीस तैयार हो गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको करते हैं साइड में। अब हम ये पीस लेते हैं, अब इनको मैं सेट करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे मैंने सेट कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, हम इस पीस को यहाँ रख के ऐसे हम सिलाई लगा देंगे और फिर इसको पलट देंगे। ऐसे इसको करेंगे, इधर सिलाई लगा के इसको पलट देंगे। सेम मुझे ये सेम आपको ये तीनों पीस इसी तरीके से करने हैं और तीनों पीस इसी तरीके से करने हैं। तो मैं इनको सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिल गया है, अब इसको सिल लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों हमारे सिल गए हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको इस पे रख के सिलाई से सिलाई को मिला के एक सिलाई लगा देंगे और फिर इसको हम ऐसे पलट देंगे। और इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ पर सिलाई से सिलाई को मिला के और फिर हम इसको पलट देंगे। तो मैं इनको सिल लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हम ये जो हमने ये टुकड़े लिए थे 5.5 5.5, तो ये 5.5 के हिसाब से ही हम इसको नापेंगे और नापने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। इसमें भी हम पूरे 5.5 5.5 नापेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हल्का हल्का जो भी है उसको हम कट कर देंगे। फिर उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इनको आपको लगा के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड, सिलाई को सिलाई से डिज़ाइन को आपस में मिला लीजिए। जब आपको एक्स्ट्रा कपड़ा लगे बीच वाले टुकड़े का, तो तब आप उसको कटिंग करिएगा। ये जो टुकड़ा है, ये सिलाई से सिलाई को ऐसे से ऐसे मिला लेंगे और तब हम ये एक्स्ट्रा सा जो हमने लाइनिंग लगा दी है इसको हम कट कर लेंगे और फिर मैं आपको इसको सिल के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले इस ऊपर वाले टुकड़ों को यहाँ से लगा के सिलाई कर देंगे और ऐसे पलट देंगे। फिर इसको ऐसे सिलाई करके इसको ऐसे पलट देंगे। तो मैं आपको ये सिल के दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा ऊपर का हिस्सा जुड़ गया है। अब क्या करेंगे हम, अब इसको भी हम इसी तरीके से सिलेंगे। इसको इस सिलाई के ऊपर रख के पलट देंगे। याद रखना फ्रेंड, इस सिलाई को सिलाई से मिला के रखना और इस सिलाई को इस सिलाई से मिला के रखना। यहाँ से रख के इसको पलट कर सिल कर पलट देंगे। तो मैं सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिलाई से सिलाई को जोड़ लिया है, तो ये हमारा सिल गया है। अब क्या करेंगे, अब हम तीसरा हिस्सा लेंगे। जैसा कि मैंने पहले सिल के दिखाया था, वो भी ऐसे ही सिलना है। ये हमारे 3 हिस्से हो गए हैं। इसको हम इस पे रख कर ऐसे सिलाई लगा देंगे और पलट देंगे। इसको भी हम ऐसे सिलाई लगाएंगे और पलट देंगे। तो मैं सिल देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा तीसरा हिस्सा भी कंप्लीट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम इसको बीच वाली सिलाई से जोड़ लेंगे। इसको यहाँ हम पिनअप कर लेंगे और पिनअप करने के बाद हम इसको यह पिनअप कर लिया, यहाँ से हम एक सिलाई लगा देंगे। और सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड्स,
हम इसको ऐसे पलट देंगे। तो मैं आपको सिल के दिखा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मेरा नीचे का बॉर्डर तैयार हो गया है। अब हम इसको इसको ऐसे पलटेंगे। ऐसे पलटने के बाद यहाँ से सिलाई को सिलाई से आपस में जोड़ेंगे और फिर एक सिलाई लगा के पलट देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सिल लिया ऊपर का और ये मैंने आप पलट दिया है। तो देखिए बहुत सुंदर डिजाइन है। मैं थोड़ा आपको अच्छे तरीके से दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत डिज़ाइन है। तो आप प्लीज़ इस डिज़ाइन को बनाइए। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।